पास है, यानी कि एक पिस्ता। तो ये कच्चा पिस्ता है, अगर आप पिस्ता ग्रो करना चाहते हैं तो कच्चा पिस्ता लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो ज़मीन होना चाहिए बिल्कुल भी सादा होना चाहिए, कोई भी कंपोस्ट कोई भी खाद इसके अंदर ना डालें। तो देख सकते हैं इसे, तो इसे यानी कि निकाल लें, यानी कि इस कवर के अंदर से निकाल लें। देख सकते हैं इसे, तो कुछ इस तरह से आपको यानी कि गड्ढा खोदना है। तो देख सकते हैं इस तरह से आप इसको मिट्टी भर दें। तो देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से इसको मिट्टी में, तो एक आपको इस तरह से दबाना है। तो बाद में इसे इनके पानी देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आ चुका है, ये तो जनरेट हो चुका है। तो ये यानी कि पिस्ता कुछ इस तरह से ग्रो होते हैं। तो देख सकते हैं, तो यानी कि ये होता है पिस्ता ग्रो करने का टेक्निक। तो कोई भी कंपोस्ट या कोई भी खाद ना डालें, क्योंकि ज़मीन को आप ऐसे ही सादा रहने दें।